गाइस कैसे हैं सारे। और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ और हाँ यार ये लेट हो गई है। और सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आप सब ने मतलब बहुत सारे मैसेज भी आए और सब लोगों ने कहा यार वीडियो कब आ रही है। तो लास्ट वीडियो के लिए बहुत टाइम निकल चुका है लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि टाइमली है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और मैं मेरा दोस्त जा रहे हैं एक हॉन्टेड प्लेस जो कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा हम कहाँ पर है। तो हम घर से निकल चुके हैं और हम बाय रोड जा रहे हैं और मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ और जहाँ भी पहुँचूंगा बस आपको पता चल जाएगा। और वीडियो एंड तक जुड़े रहना, स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, बस आपको मज़ा आ जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे रास्ते तक और जब पहुँच जाऊँगा जब तो मिलता हूँ। चुका हूँ भूली भटियारी जो मैं आपको इतनी देर से सस्पेंस में रख रहा था। इस जगह का नाम है भूली भटियारी और मैं यहाँ नाइट विजिट करने वाला हूँ और मैं और मेरा दोस्त साथ में है। ये रहा मेरा दोस्त, मेरा भाई, छोटा भाई है। हम दोनों साथ में अंदर जाने वाले हैं और मतलब दिखाएंगे अंदर क्या है यार, कोई गोस्ट है या नहीं है या हॉन्टेड है या नहीं है, इतना बोलते हैं इसके बारे में। वो जाके अंदर ही जाके पता चलेगा। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हम ये नाइट में शूट नहीं कर रहे हैं या मतलब थोड़ा सा भी झिझक है तो आप गूगल टाइम कर सकते हो, जाके देख सकते हो हमारी गूगल पे टाइमिंग क्या है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे भाई ने निकाल रखा होगा गूगल टाइम, आप चेक कर सकते हो कि हम किस टाइम यहाँ नियर बाय विजिट। डियर्स टाइम नाउ 11। रिफ्रेश करेंगे इसको, यही आएगा रिफ्रेश, यही। तो आपने देख लिया है कि जैसे कि मेरे भाई ने दिखाया है कि यहाँ पे अभी 11:30 बज रहे हैं और मैं अब अंदर जाने वाला हूँ। अंदर का जैसा भी माहौल होगा वो मैं आप सबको सब कुछ दिखाऊंगा। तो मिलते हैं गाइस अंदर चलते हुए। देख लो ये कितना हॉन्टेड जैसा लग रहा है लेकिन जो भी होगा अभी आपको पता ही चल जाएगा। ये गाइस इसके अंदर है भूली भटियारी के अंदर कच्चा पानी आपूर्ति मंडल, ये झील टाइप में बना रखी है इन्होंने, ये रास्ते में ही पड़ती है। गाइस ये डंडे इस वजह से तोड़ रहे हैं क्योंकि अंदर कुत्ते बहुत सारे हैं और हाँ उन्हें मारना नहीं है, सिर्फ उन्हें डराना है ताकि वो हमें काटे ना।
भाई ये देख लो कैसा सीन है रात का इधर। अभी हम चल ही रहे हैं बस, मैं और मेरा दोस्त है मेरा भाई, और एक कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा तो यार सभी को लगता है, लेकिन अगर मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा या मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा तो ये ज़्यादा डर में रह जाएगी, ये वीडियो बनी नहीं पाएगी। तो ये वीडियो बनाने के लिए और कुछ दिखाने के लिए मुझे यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। आप जैसे देख सकते हैं कि मैं इस टाइम बिल्कुल महल के बाहर खड़ा हूँ, ये बिल्कुल मेरे सामने महल है। आपको अभी इतनी रोशनी नहीं है जो दिखे, मैं उस महल के करीब जाने वाला हूँ। मेरा भाई मेरे साथ है और अब हम महल के करीब चलते हैं आगे। चल देख सकते हो आप कितना अंधेरा है, आजू बाजू में बहुत अंधेरा है, और मतलब यार गोश्त गोश्त सारे कहते हैं वो, आज देख लेंगे कुछ है या नहीं है। चल आप आ जाए ना कि गोश्त है या नहीं है, वो अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाके ब्रश लगाते हैं। तो भाई जैसा कि ये गेट मैंने गेट खुल गया है, अंदर एंट्री करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो मेन गेट है, और जैसा कि लोग कहते हैं गोश्त 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 रिलेटेड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आज हम आपको अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले आप ये देखो गुफा है, चमगादड़ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे शायद कोई लेटता हो, कोई सोता हो, ये देखो शायद कोई लेटता होगा सोता होगा यहाँ पे, तो एक भी चमगादड़ तो है नहीं। सेम केजी है, अंदर जाना है या नहीं जाना है बात वही है। कोई वो नहीं है, कोई चमकादड़ वगैरह भी नहीं है जो हमें डरा सके या हमें भगा सके। और सबसे बड़ी बात कोई गोश्त नहीं है, मैं और मेरा भाई यहाँ पे अकेले हैं, और जल्दी मैं और मेरा भाई दोनों आपको मिलेंगे। जल्दी आ जाओ, लाइट ना थोड़ी लीक हो रही है, देख सकते हो आ सकते हो मेरे साथ मेरे पीछे। इस समय हूँ मैं भोले भटियार की महल की छत पे, और आप चारों तरफ देख सकते हो कैसा माहौल है। तो जैसा कि आप ये पीछे देख सकते हो अभी, मतलब आओ थोड़ा पास से देखते हैं क्या हो गया। कैमरे के पास हो ना ताकि चलो। तो गोश्त के नाम पे बस यहाँ पे, जैसा कि आप थोड़ा और कैमरे से आएंगे तो गोश्त के नाम पे यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया अंदर कुछ भी नहीं था, हम अंदर होकर आगे मैं और मेरा भाई अंदर गए थे। हाँ मेरा भाई वीडियो बना रहा है तो उसे मैं ले नहीं सका क्योंकि वो वीडियो बना रहा है इस वजह से। और अंदर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं है, मैंने आपको पूरा महल दिखाया इस वीडियो में, गोश्त कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ अंदर सिर्फ एक चीज है जो कि हमें परेशान कर रही थी, हमें डरा रही थी, वो थी कि हमें कोई चोर ना मिल जाए, हमें कोई ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जो हमें नुकसान पहुंचा सके। और हाँ कई सारी स्टोरीज कई सारे हमने सुने हैं अंदर केस, जिससे पता चलता है कि अंदर चोर होते हैं या मतलब अपराधी जनक के लोग होते हैं। और एंड में इस वीडियो का एंड करते पहले इसकी स्टोरी बता देता हूँ आपको। स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये फिरोज शाह तुगलक का महल था जिसको उसने बनवाया था यहाँ पे,
क्या कहते हैं शिकार करने के लिए, ये महल के आसपास के जितना एरिया था वो सारा जंगल था, वहाँ पे वो शिकार करता था। और बाद में उसने अपनी रानी को, शायद उसकी रानी ने उसको धोखा दिया या किसी और के साथ संभोग वगैरह करा था, तो उसको उससे गुस्सा आ गया और उसने अपनी रानी को यहाँ कैद करवा दिया था, जिससे चल के उसकी रानी यहीं, उसकी रानी की मृत्यु यहीं हो गई थी। और उस रानी का कर्ज या उस रानी का शराब कहते हैं कि वो इस महल पे बरसा और ये महल पूरा खंडर बन चुका है। और दूसरी एक और स्टोरी है इसके बारे में कि एक भटियारिन नाम की एक औरत थी जो कि राजस्थानी थी, और वो भटकते भटकते इस एरिया में आ गई थी और यहीं रहने लग गई थी। उसने अपना घर बना लिया था इसको, और तो जब वो मरी थी तो कहते हैं उसकी आत्मा या उसकी रूह आज भी यहाँ भटकती है। तो एंड में सिर्फ वीडियो के साथ एंड में यही कहना चाहूँगा कि गोश्त तो कोई नहीं मिला, और हाँ वीडियो बहुत अमेजिंग बनी है एंड दूसरी वीडियो भी बहुत अमेजिंग बनने वाली है। तो वीडियो में बने रहना और साथ बने रहना, स्किप मत करना। बस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ।